यूपी के सीतापुर के मोहल्ला आदर्श नगर में बारिश का पानी भर जाने से आदर्श नगर के समस्त गलियां जलमग्न हो गईं। जब स्थानीय निवासी पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो गए तो वो रोड पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करने पर सड़कों पर जाम लग गया। जाम लगने से सीतापुर लखीमपुर मार्ग पर भयंकर जाम लगा और यातायात बाधित हो गया। यहां स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात का पानी हमारे घर में घुस गया है, जिससे जेट पंप में भी गंदा पानी आ रहा है और हमें सड़कों पर पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि वोट बैंक की राजनीति चलते इस मोहल्ले को नगर पालिका में नहीं लाया जा रहा है और ये नगरीय सीमा से बाहर है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि यहाँ के स्थानियों ने कैसे सुनाया अपना दुख दर्द। लोगों के मोहल्ले में पानी, पूरे मोहल्ले का पानी आता, सड़क का पानी जाता, सब भर जाता है। कल बारिश रात में हुई और बताइए घरों में पानी चला गया। समर सेवल खराब हो चुके सबके, पूरे भरे हुए पूरी, मतलब दादी हैं वो बीमार है, पैर चल नहीं पाता। अगर बीमार हो जाए तो उनको कमर के इतने पानी में लेकर जाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, सांप बिच्छी कल निकले, कॉकरोच, पता नहीं कौन कौन से कीड़े सब घर में निकल रहे हैं। अगर कोई बच्चा, छोटे बच्चे कहाँ तक उनको देखेंगे। लोगों को ऑफिस जाना होता भी, सुबह पहले पानी में जाएं, फिर दूसरे के घर में जाएं, कपड़े चेंज करें, फिर ऑफिस जाते हैं और सब घर से जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट में और सब टैक्स पे कर रहे हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों ने अभी जाम लगाई थी रोड के ऊपर? जाम इसलिए कि यहाँ पर पानी निकलने का रास्ता नहीं, सब सारे मोहल्लों का जो है पानी यहीं निकाला गया है, मतलब नीचा है थोड़ा तो यहीं निकाला गया, वो भर जाता है हम लोग के घरों में, पानी भरा हुआ है। समर सेबल भी की बोरिंग खराब हो गई, गंदा पानी आ रहा है और हम लोग कमर के ऊपर तक पानी है। इसी बच्चे कॉलेज जाएँ इसको और सब लोग ऑफिस जाएँ, कुछ लेडीजें जॉब करती हैं इसी में घुस के जाती हैं। बताया कहे गए अधिकारी लोग हैं नहीं, आज ब्लॉक प्रमुख की शपथ ग्रहण है जी। और फिर आश्वासन दिया है यही कि फिर बाद में आगे आप लोग किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। अब इसी तरह से हम लोग जाम फिर लगाएंगे दोबारा जब नहीं कुछ सुना जाएगा। जाम लगाए थे भैया, इस गली में बहुत पानी भरा है थी और सालों से भरते आ रहा है और इसकी कोई परिवर्तन सुनवाई नहीं हुई है। सिर्फ हमारा घर तो पूरा डूबा हुआ है। जैसा कि बहुत सालों से प्रयास किया जा रहा है कि इसको नगरीय सीमा में नहीं लाया जा रहा है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके बारे में यही कहना कि कुछ जो बड़े लोग हैं जैसे भट्टा वाले हो गए, ये अपना जाते हैं पता नहीं कहाँ से साठ गांठ करके और इसको जो है नगर में आने ही नहीं देते, नहीं तो ये कब का 5-7 साल पहले ही नगर में आ गया होता। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से कहना है कि भाई हम लोगों को बस पीने के लिए पानी और जाने आने के लिए रास्ता चाहिए, क्योंकि हम ही लोग सरकार मतलब कर्मचारी हैं, काम करने हम ही लोग जाते हैं। आपका नाम? विवेक कुमार वर्मा।